दाल और आटे से बनी ये दाल ढोकली अपने आप में ही पूरा खाना ही है। तो और ये दाल ढोकली राजस्थान और गुजरात में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो चलिए आज हम एकदम सिंपल तरीके से बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अगर आपको सब्जी रोटी नहीं खाना है तो आप इसे भी खा सकते हैं। एकदम कंप्लीट डिनर ब्रेकफास्ट सब में आता है ये। तो मैंने यहाँ दाल ली है, तो इसे मैं अच्छे से धो लूँगी पहले 3-4 पानी से। फिर हम इसमें पानी डालेंगे और हल्दी और हल्का थोड़ा हल्का सा 2 बूंद तेल डाल देंगे और इसे 2-3 सीटियाँ तक अच्छे से पकाएंगे। पहले लो फ्लेम रख देंगे। अब मैंने यहाँ 2 कटोरी आटा लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून नमक और रेड मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। अब इसका अच्छा सा हम डो प्रिपेयर कर लेंगे। एकदम मीडियम, हमें ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, एकदम मीडियम डो रखना है। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लूंगी और इसे अब मैं ऐसे हाथों से अच्छे से प्रेस करके मैं ऐसे ऐसे हाथों के बीच में ऐसे दबा दबा के इसे थोड़ा सा पतला कर लूंगी। और आप चाहे तो एक नई ट्रिक भी है मेरे पास, मैं एक ऐसा जिसे हम झारा बोलते हैं चम्मच, मैं उस पर भी ऐसे दबाऊंगी हमारी रोटियों को। मैं यहाँ छेद कर रही हूँ इसमें फोक के से ताकि अच्छे से एकदम ये अंदर से पके। तो यहाँ मैं एक चम्मच ले रही हूँ, उस पर ऐसे रोटियों को दबा रही हूँ ताकि वो इवनली पतली हो जाए हर तरफ से, कहीं मोटी कहीं पतली ना रहे। तो ये बनके हमारी तैयार है। अब मैं यहाँ दाल फ्राई कर रही हूँ, जिसे मैंने लिया प्याज, टमाटर, 2-3 हरी मिर्ची लिए, कड़ी पत्ता लिया और धनिया लिया है। तो यहाँ मैंने 3-4 टेबल स्पून तेल डाला है। फिर उसमें डाल दूँगी मैं रेड मिर्च पाउडर, प्याज, टमाटर, से अच्छे से हम सौते कर लेंगे। फिर मैं डालूँगी नमक ताकि हमारे टमाटर जल्दी अच्छे से पक जाए, जीरा, रेड मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। और इसमें 2 या 3 गिलास अच्छे से हमें पानी डालना है। अब हम पहले दाल में उबाल आने देंगे अच्छे से। पहले हम अच्छे से उबाल आने देंगे, फिर अब हम हमारी एक एक जो हमने बनाई थी आटे की वो डालेंगे। हमें एक एक करके डालने, अगर हम एक साथ डालेंगे तो चिपक जाएंगी। ऐसे हम एक एक करके सारी हमारी दाल ढोकलियों को डाल देंगे और हमें इसे लो फ्लेम पे फिर पकने देना है 5 से 10 मिनट तक। अब इसे हम धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। हम इसमें ढकनी ढक देंगे। हमें इसे बढ़िया से पकने देना है ढककर, नहीं तो ये कच्ची लगेगी खाने में, इसलिए हमें अच्छे से इसे पकने देंगे। देखिए बिल्कुल टूटी नहीं है, इसलिए हमें अच्छे से इसको एक एक करके डालना था। अच्छे से ढक ढक देंगे और पकने देंगे। अभी बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा गोंडा मसाला। और बनके तैयार है हमारे लिए यम्मी दाल ढोकली। आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।